हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम इंग्लिश में पढ़ेंगे ऐसे माय फेवरेट सीज़न। तो मैंने आपको एक क्लास में भी पढ़ाया था, आई होप सबको लर्न होगा, लेकिन आप एक बार फिर से देख लो, ठीक है। विंटर इज़ माय फेवरेट सीज़न ऑफ द ईयर, ये आपकी फर्स्ट लाइन है कि जो विंटर है वो मेरा फेवरेट सीज़न है साल का। इट यूजली स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड एंड्स इन फेबररी, ये जो है नवंबर से शुरू हो जाता है और फरवरी में एंड हो जाता है। ड्यूरिंग विंटर द वेदर इज़ वेरी कोल्ड एंड द टेम्परेचर फॉल्स इवन बिलो 5 डिग्री सेल्सियस। विंटर में क्या होता है, जो वेदर होता है वो क्या होता है, बहुत ही ठंडा होता है और कभी कभी टेम्परेचर जो है 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी गिर जाता है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ सीजन, जो दिसंबर और जनवरी हैं वो क्या है, इस सीज़न के सबसे कोल्डेस्ट मतलब ठंडे मंथ हैं। द सीज़न ऑफर्स अस लॉट ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इस सीज़न में क्या है, आपको बहुत ही फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने को मिलती है ना। हाँ, इन द कोर्स ऑफ दिस सीज़न सम प्लेसेस फेस हैवी रेनफॉल एंड हेल स्ट्रॉम, आपने सुना होगा इस सीज़न में क्या होता है, कुछ जगह पे बर्फ़ गिरती है, कुछ जगह पे ओले वगैरह गिरते हैं, ये वही चीज़। ओके, हॉट ड्रिंक्स एंड ईटेबल्स आर प्रिफर्ड बाई पीपल टू कीप देम सेल्फ वॉर्म, तो आपने देखा होगा कि जब ठंड पड़ती है बहुत ज़्यादा तो आप लोग कहते नहीं होता चाय पकौड़े खाने का मन हो रहा है, तो ये वही चीज़ें हैं कि कुछ लोग जो है हॉट ड्रिंक्स या कुछ गर्म गर्म खाने की चीज़ें प्रिफर करते हैं जब उन्हें ठंड लगती है। पीपल वियर वॉर्म क्लोथ्स लाइक जैकेट स्वेटर एंड कोट्स, आप लोग सब लोग जब आपको ठंड लगती है तो आप ठंड में क्या जैकेट कोट्स वगैरह ओवर कोट वगैरह पहनते हो ना। आई लाइक ड्रिंकिंग हॉट मिल्क विद बॉर्नविटा इन विंटर सीजन, मुझे ना विंटर में गर्म दूध में बॉर्नविटा के साथ गर्म दूध पीना बहुत पसंद है। ड्यूरिंग विंटर्स आई लव टू कवर माई सेल्फ विद अ क्विल्ट एंड रीड बुक्स व्हेन एट होम, विंटर में क्या होता है कि मुझे ना रज़ाई ओढ़ के बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं घर पे होता हूँ। तो इंग्लिश में आपको ये ऐसे लर्न एंड राइट करना है पूरा ऐसे। ओके, तो अब हम देखते हैं हिंदी नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। ओके, तो आज हम हिंदी में पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम होता है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपको ठीक लगे, जैसा आपको ईजी लगे आप वैसा इसको लर्न कर सकते हो। ओके, तो सर्वनाम के उदाहरण है मैं, तुम, हम, वह, उसका, उसकी आदि, ये क्या है सर्वनाम के उदाहरण हैं। सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे अगर किसी को संज्ञा नहीं पता है तो सुन लो, संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी इंसान का नाम, किसी भी जानवर, पेड़ पौधे, जगह के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और जो शब्द हम संज्ञा की जगह यूज़ करते हैं जैसे उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक किसी, जैसे मैंने यहाँ पे बोला साक्षी एक लड़की है, साक्षी पढ़ने में अच्छी है, साक्षी कक्षा 4 में पढ़ती है, लेकिन यहाँ पे अगर आप बार बार साक्षी लगाओगे तो वो क्या है, सेंटेंस अच्छा नहीं लगेगा। तो इसकी जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि साक्षी एक लड़की है, वह कक्षा 4 में पढ़ती है ना, वह एक अच्छी विद्यार्थी, ऐसे हम लिख सकते हैं ना। उसकी जगह पे साक्षी बार बार अपना यूज़ करके हम साक्षी की जगह पे वह यूज़ कर देते हैं। तो वह क्या है, हमारा सर्वनाम शब्द है, तो उसको हमने किसकी जगह पे यूज़ किया है, संज्ञा की जगह पे, क्योंकि साक्षी क्या है, संज्ञा है। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब हिंदी में मूल सर्वनाम कितने होते हैं, 11, जैसे कि मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये क्या है मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और ये जो सारे क्या हैं, ये मूल सर्वनाम हैं, ये आप पढ़ लेना आपको समझ में आ जाएगा। अब सर्वनाम के भेद देखते हैं। सर्वनाम के जो हैं 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे इनके उदाहरण दिए गए हैं कुछ। पुरुषवाचक का है मैं, तू, वह, मैंने, निजवाचक का है आप, निश्चयवाचक का है यह, वह, अनिश्चयवाचक का है कोई, कुछ, संबंधवाचक का है जो, सो, प्रश्नवाचक का है कौन, क्या।
तो स्टूडेंट्स, मैं इन छह के बारे में, ये क्या होते हैं, आपको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, क्योंकि अगर आज ही मैंने पढ़ा दिया सारा तो सारा आपका माइंड, आपके माइंड में सारा खिचड़ी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। तो अभी आज मैंने सिर्फ सर्वनाम के बारे में, मूल सर्वनाम कितने होते हैं और सर्वनाम के उदाहरण और भेद के भेद और उसके उदाहरण बताए हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इसको लर्न कर लेना अच्छे से, ओके। और नीचे मैंने इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चन देख लो। सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सर्वनाम की परिभाषा लिखनी है। सेकंड में हिंदी में मूल सर्वनाम कितने हैं, तो मैंने आपको ऊपर बताया कि हिंदी में मूल सर्वनाम की संख्या कितनी है, आप इसको भी आराम से कर लोगे। नेक्स्ट आपको लिखना है सर्वनाम के भेद उदाहरण सहित लिखो। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं आपको वो लिखना है उदाहरण सहित, ओके, आप कर लोगे ना, वेरी गुड। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ, जो कि है मैथ्स। मैथ्स में आज देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैथ्स में आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डिनल नंबर। ये आई होप ये आप सबका फेवरेट टॉपिक है। तो 1 to 30 हम ऑर्डिनल नंबर पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने जो ऑर्डिनल नंबर लिखे हैं वो ऐसे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके लिखे हैं, लेकिन आप लोग जब अपने नोटबुक में लिखोगे तो 1, 2, 3 ऐसे सीख, जैसे आप नंबर लिखते हो ना, टेबल लिखते हो, वैसे लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने समझाने के लिए लिख दिया है, क्योंकि तो अब हम देखते हैं क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ओके। तो पहला है हमारा फर्स्ट, 1 को हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट, सेकंड, 2 को सेकंड, 3 को थर्ड, 4 को फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th। तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, सबको मज़ा आएगा करने में, ठीक है। हाँ, इसमें ना सिर्फ 3 स्पेलिंग पे ज़्यादा फोकस करना। 1 is 30th, 2nd 1 is 20th एंड 3rd 1 is 12th, ओके। ये तीनों स्पेलिंग में बच्चे, आप लोग ज़्यादा मिस्टेक करते हो, तो ये तीनों स्पेलिंग जो है अच्छे से लर्न करना, मेमोराइज करना, और बाकी स्पेलिंग तो बहुत इजी है, आप लोग कर लोगे आराम से, ठीक है। तो आई होप आपको आज जो मैंने पढ़ाया आपको अच्छा लगा है, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे, आपको समझ आया है। तो आप लोग अपना होमवर्क पूरा कर लेना, और हम लोग मिलते हैं, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।